अच्छा, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब देखो, जैसे आपको पिछले क्लास में ये बताया कि जो एक्टिव सेंटेंस हैं उनको पैसिव बदलने के बारे में, तो इनमें टेंस चेंज करने तक की आपको बात है वो बताई। इसके बाद देखो, जैसे ये जो एक्टिव जो वाक्य होते हैं उनको, एक्टिव सेंटेंसों को पैसिव में जो बदलते हैं तो उनमें पैसिव सेंटेंस में चेंज करना। अब जैसे आपको जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदलने वाली बात है वो बता दी, हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब है वो टेंसों के अनुसार किस प्रकार से बदलनी है वो बता दी। अब देखो, ये वाक्य हैं वो किस तरीके से अपने को बनाने, इसके कुछ उदाहरण देखो, जैसे एग्जांपल्स। अब इनमें जैसे ये एक्टिव सेंटेंस है, ये एक्टिव सेंटेंस है, जैसे लिखा है कि गीता स्पीक्स हिंदी ऑलवेज, ये एक एक्टिव सेंटेंस है। अब इसमें देखो, ये जो एक्टिव सेंटेंस है इसमें गीता है वो क्या है, सब्जेक्ट है यानी कर्ता, स्पीक्स है वो क्या है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और जो हिंदी शब्द है वो क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑलवेज है वो आ जाएगा अदर्स में। तो ये इस प्रकार से कि एक्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इसको जब अपने पैसिव में बदलेंगे तो क्या करना है कि पैसिव में जब इसको बदलेंगे तो जैसे आपको बताया हुआ है कि ये जो सब्जेक्ट है यानी जो एक्टिव सेंटेंस है वो तो कर्ता प्रधान होता है तो सब्जेक्ट लिखा है, और ये पैसिव वाला है वो क्रम प्रधान है तो क्रम को पहले लिखना है। क्रम क्या हो गया इसमें, हिंदी। तो यहां से शुरुआत करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हिंदी। अब इसमें जो मेन वर्ब है वो क्या है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, पैसिव वाले में क्या करना है कि कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हिंदी है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से क्या लिखी जाएगी, इज लिखी जाएगी, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, तो ये स्पीक की जगह हो जाएगा, स्पीक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन। और अब मैं मेन वर्ब के बाद बाय लगाकर ये जो सब्जेक्ट है ये लिखा हुआ है गीता, तो इसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो गीता का गीता ही लिखा जाएगा, अदर्स है वो अपनी जगह रहेगा तो ऑलवेज का लिखा जाएगा ऑलवेज। इस तरीके से यानी एक पैसिव सेंटेंस बन गया। अब जैसे अन्य उदाहरण देखो आगे, जैसे ये लिखा है कि ही डज नॉट लाइक टी, ये एक एक्टिव सेंटेंस है, यानी ही इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आए, और लाइक क्या हो गई, मेन वर्ब, और टी क्या हो गया, मेन वर्ब के बाद वाला जो शब्द होता है वो जैसे आपको बताया कि ऑब्जेक्ट होता है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या है, टी, तो लिखना शुरू करेंगे टी, ये साइकिल है यहाँ, ये डज, ये ही के अनुसार डज लिखा है। अब क्या करेंगे कि डू डज को इज एम आर में बदलते हैं, तो इज एम आर में से क्या लिखना है कि जैसे टी है वो क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज एम आर में से लिखा जाएगा इज। अब जैसे ये सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव को नेगेटिव में रखना है, इसलिए नोट का लगा देंगे नोट, लाइक मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म बना देंगे लाइक हो जाएगा, ये हो गया टी इज नॉट लाइक ने, और बाय लगाकर ये लिखा हुआ है यहाँ ही सब्जेक्ट है, इसको जब ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे ही को तो इसका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा हिम और ए फुल स्टॉप। इस तरीके से यानी ये पैसिव सेंटेंस बन गया। इसके बाद में देखो कुछ और उदाहरण, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है आपका,
सी रॉट मी यस्टरडे, ये एक एक्टिव सेंटेंस है। इसमें सी क्या है, सब्जेक्ट है, रोट क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, मी क्या हो गया, मेन वर्ब के बाद वाला शब्द होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, यस्टरडे क्या हो गया, अदर्स में। अब इसका पैसिव बनाएंगे, क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो मी लिखा हुआ है, मी को जब सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, आई। मेन वर्ब की ये सेकंड फॉर्म लिखी हुई है तो मेन वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म हो तो पैसिव में सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज वर्ब में से, तो आई के साथ क्या लिखा जाएगा, वाज, वाज लिख देंगे। राइट है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न, और बाय लगाकर यहां लिखा हुआ है सब्जेक्ट सी, और सी को जब ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो इसका लिखा जाएगा हर, और यस्टरडे है वो अदर्स में है इसलिए अपनी जगह ही आ जाएगा यस्टरडे, इस तरीके से आ जाएगा। जैसे एक दो उदाहरण और देखो, जैसे ये लिखा है कि रवि इज रीडिंग ए स्टोरी बुक। अब ये देखो यहाँ लिखा है रवि, रवि क्या हो गया, सब्जेक्ट एक्टिव का, इज हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग ए मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए स्टोरी बुक, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको पैसिव में जब लिखेंगे तो क्या आएगा, पहले लिखना शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्टोरी बुक, ए स्टोरी बुक, इज एम आर का इज एम आर रहता है, रवि है वो रवि के अनुसार इसमें क्या लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, यानी रवि सिंगुलर है तो सिंगुलर सहायक क्रिया लगाई है, ए स्टोरी बुक है वो भी सिंगुलर है इसलिए सेम का सेम आ जाएगा, इज का इज ही आ जाएगा। यहाँ रीडिंग में यानी जो मेन वर्ब है उसमें क्या है, मेन वर्ब के साथ आई एन जी लगा हुआ है तो आई एन जी को हटा देना है और इसमें क्या करेंगे, बींग लगा देंगे। रीडिंग इसकी थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म है रीड, और बाय लगा करें रवि जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो रवि लिखा जाएगा फुल स्टॉप, इस तरीके से यानी ये सेंटेंस है वो कंप्लीट है। अच्छा अब एक दो सेंटेंस और देखो, जैसे ये एग्जाम्पल है, राम एंड मोहन वर प्लेइंग चेस, ये क्या है, एक एक्टिव सेंटेंस है तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट क्या है, राम एंड मोहन, ये सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग क्या है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद वाला जो शब्द है चेस वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो पैसिव बनाएंगे क्या करेंगे, पहले लिखना शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट से, ये लिखेंगे चेस, इज एम आर का इज एम आर रहता है, इसमें राम और मोहन है वो प्लूरल में है इसलिए वर लिखा है, और चेस है वो सिंगुलर है इसलिए वर्ब किस गए क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। आई एन जी है, आई एन जी को हटा देंगे और इसकी जगह क्या लगा देंगे, बींग लगा देंगे। प्ले है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड हो जाएगी, और फिर ये सब्जेक्ट है वो राम एंड मोहन है तो ऑब्जेक्ट में भी राम एंड ए मोहन, इस तरीके से ये एक पैसिव सेंटेंस बन गया। अब आपको बता दिया एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसों के बारे में। इसके बाद देखो, जैसे ये आपके जो सेंटेंस हैं उनमें
कुछ बातें और भी हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है इन वाक्यों को बनाते समय। तो बातें कौन सी हैं, देखो नंबर एक कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, यानी डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य होते हैं। अब उन डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसों को किस तरीके से करना है देखो। यानी जो डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस हैं उनको किस तरीके से करना है। अब डबल ऑब्जेक्ट वाले जो सेंटेंस हैं उस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलते समय अपने को क्या करना है कि इसको दोनों ऑब्जेक्टों के अनुसार वाक्य को बना सकते हैं अपने। अब दोनों ही तरीके से अपने को बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कई बार क्या होता है कि जो पैसिव है एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में जब बदलते हैं तो पैसिव सेंटेंस को कहाँ से शुरुआत करनी है, यानी कौन से ऑब्जेक्ट से शुरुआत करनी है वो लिखा होता है, दिया होता है, तो उस दिए हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार ही अपने को वाक्य बनाना होता है। तो दोनों ही तरीके से अपने को ये सीखना है, इसको सही ढंग से समझना भी है, और ये जो सेंटेंस है वो इम्पोर्टेंट भी है। इस तरीके के वाक्य हैं वो परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो ये डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है वो किस तरीके से होगा कि देखो ये जो एक्टिव सेंटेंस है इसमें क्या होगा कि ये इस प्रकार से होगा, पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद क्या है कि यहाँ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में एक और नाउन दी होगी, यानी जो ये नाउन है वो भी एक ऑब्जेक्ट के रूप में ही होगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए होंगे। अब इस प्रकार से किसी वाक्य में अगर दो नाउन आती हैं तो दोनों नाउनों को ऑब्जेक्ट मानकर, किसी एक को ऑब्जेक्ट मानकर वाक्य वो बनाया जा सकता है। तो अब देखो जैसे पहला तरीका क्या है कि इसका जब पैसिव बनाएंगे अपने तो क्या करेंगे कि जैसे आपको पहले बताया कि ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद वाला जो शब्द होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो अपने को इसी को ही ऑब्जेक्ट मानना है। इस ऑब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, पहले लिखेंगे इस ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे। अब इसमें क्या करना है कि जैसे बाकी सेंटेंसों में तो अपने क्या करते हैं कि मेन वर्ब के बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट को लिखते हैं, लेकिन अगर दूसरी नाउन अगर इसमें दी हुई है तो क्या करना है, फिर उस नाउन को यहां लिखना है, यानी कहने का दूसरा जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट दिया है उस ऑब्जेक्ट को इस मेन वर्ब के साथ लिखना है। पहला ऑब्जेक्ट तो यहां आ ही गया, वाक्य के शुरू में लिख दिया, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, मेन वर्ब के साथ में लिखना है, और फिर उसके बाद में बाय लगाकर जो सब्जेक्ट है उसको लिख देना है, और ए अदर्स जो बच गया वो अपनी जगह लिख देना है। इस तरीके से वाक्य बनाना है। अब देखो इसका एग्जांपल, जैसे जैसे लिखा है कि ही टोल्ड मी ए स्टोरी यस्टरडे, ये एक एक्टिव सेंटेंस है। अब इस एक्टिव सेंटेंस में क्या है कि इस एक्टिव सेंटेंस में ये देखो ये ही लिखा है, ही है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस मी के बाद देखो ए स्टोरी, ये भी एक क्या है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, यानी एक नाउन है, इसलिए ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब इसमें क्या करना है कि जैसे आपको पहला जो तरीका बताया मेन वर्ब के बाद वाला शब्द होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ये आपको बताया है, तो इसके अनुसार करो। पहले इसके अनुसार करेंगे तो ये मी है, इसको पहले यहाँ सब्जेक्ट की जगह लगाएंगे, सब्जेक्ट की जगह लगाएंगे तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा, आई। मेन वर्ब की यहाँ सेकेंड फॉर्म आई है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, वाज वर्ब में से लिख जाएगी, तो आई के साथ में वाज वर्ब में से क्या लिखा जाएगा, वाज लिखा जाएगा, आई वाज। टोल्ड है इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो टोल्ड का टोल्ड,
अब ये जो नाउन है ए स्टोरी, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है इसको यहां इस मैन वर्ब के साथ ही लिखना है। ये टोल्ड लिखा, इसके बाद लिखेंगे ए स्टोरी और फिर उसके बाद में बाय लगा करें इस सब्जेक्ट को लिख रहा है। ये ही लिखा हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम और यस्टरडे का आ जाएगा यस्टरडे और फुल स्टॉप। इस तरीके से हो जाएगा। अब एक तो ये तरीका हो गया। अब मान लो कि जैसे परीक्षा में जो वाक्य आता है इसी तरीके का एक वाक्य दिया है और उसमें आई की बजाय जैसे ए स्टोरी है वो यहां अगर लिख कर दिया है आपको ए स्टोरी, तो आपको फिर क्या करना है कि आई को यहां सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखना है, फिर क्या है कि ए स्टोरी जो ऑब्जेक्ट है इसी के अनुसार ही वाक्य बनाना है। अब इसमें क्या करना है कि इसके अनुसार जब वाक्य बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे। देखो ये जैसे पहले तो आ गया ऑब्जेक्ट के रूप में ए स्टोरी, हेल्पिंग वर्ब उसी प्रकार से लगेंगे जैसे ऊपर वाले वाक्य में बताइए। जैसे ए स्टोरी है वो सिंगुलर है, टोल्ड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब में से लिखा जाएगा, ए स्टोरी है वो सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा, ए स्टोरी वाज। टोल्ड थर्ड फॉर्म है, टेल की थर्ड फॉर्म और टोल्ड तो थर्ड फॉर्म है, टोल्ड आ जाएगी। इसके बाद में क्या करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है मी, इस ऑब्जेक्ट को लिखना है कहां इस वर्ब के साथ और इसको जोड़ना है किससे, टू से। ए स्टोरी वाज टोल्ड टू मी, यानी इस ऑब्जेक्ट को इस वर्ब के साथ टू से जोड़ना है, टू मी। इस अब इसके बाद में लिखेंगे बाय लगा करें, ये ही है सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, बच गया यस्टरडे तो यस्टरडे का लिख देंगे यस्टरडे और फुल स्टॉप। इसी सेंटेंस को एक तरीके से और भी कर सकते हैं। एक तरीका, दूसरा तरीका क्या है कि जैसे ये है, ये लिखा जाएगा ए स्टोरी, सही किया गया वाज मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड। अब इसमें क्या है, जो ये सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इस हिम के साथ यानी जो ऑब्जेक्ट आ गया इसके साथ दूसरे पहला जो ऑब्जेक्ट है उसको जोड़कर टू से जोड़कर लिख सकते हैं। कहने का मतलब यानी ये जो पहला जो ऑब्जेक्ट है इसको मैन वर्ब के साथ जोड़ेंगे तो भी टू लगाकर जोड़ना है, ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे तो भी टू लगाकर जोड़ना है। टोल्ड टू मी या फिर बाई हिम लिखकर ऑब्जेक्ट लिखकर टू मी लिखना है और फिर उसके बाद में जो अदर्स है वो बच गया वो आ जाएगा अपनी जगह। तो ये हो गया ए स्टोरी वाज टोल्ड बाई हिम टू मी और यस्टरडे का आ जाएगा यस्टरडे। इस तरीके से यानी ये वाक्य बनाना है। यानी इसमें क्या है कि डबल जो ऑब्जेक्ट दिए होंगे इस डबल ऑब्जेक्ट वाले में क्या करना है आपको कि वाक्य है वो दोनों ही तरीके से बनाना आना चाहिए, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है वो पहले ऑब्जेक्ट से अगर वाक्य की शुरुआत की गई है तो क्या करना है आपको कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको मेन वर्ब के साथ जोड़कर लिखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और अगर दूसरे ऑब्जेक्ट से वाक्य की शुरुआत की गई है तो इस पहले ऑब्जेक्ट को वर्ब के साथ लिखो या ऑब्जेक्ट के साथ लिखो, किसी के साथ लिखो चाहे, टू से जोड़ना है, टू से जोड़ना है। और पहले ऑब्जेक्ट को अगर काम में लेते हो तो दूसरे ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब के साथ लिखना है, बस इतनी सी बात है और कोई विशेष बात नहीं है इसमें। बाकी वाक्यों की तरह ही नियम है इसका और इसी तरीके से। और इस प्रकार का एक वाक्य है वो परीक्षा में पूछा जाता है हर साल, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना है। अब इस तरीके के जो वाक्य हैं वो आपकी बुक में एक्सरसाइज उनमें दिए हुए, तो आप जैसे ही आप इन वाक्यों की प्रैक्टिस करोगे इनको करके देखोगे तो ये बातें वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी इन वाक्यों से संबंधित समस्या आती है तो वो आप खुले मन से पूछो और उसका समाधान बिल्कुल आपका किया जाएगा। तो इसमें जो किसी भी प्रकार की कोई जो हिचक है वो दूर होगी एक्सरसाइज करने से,
जितनी हम अभ्यास करेंगे बुक में दी हुई एक्सरसाइजों का, उतनी चक दूर होगी, उतना ही बढ़िया तरीके से ये अपने समझ में आएगा। अच्छा, अब देखो इसके बाद में कुछ जो सेंटेंस होते हैं एक्टिव वाले, उनमें क्या होता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको यानी बाय लगाकर ऑब्जेक्ट के रूप में बताने की जरूरत नहीं होती है। यानी उनमें क्या होता है कि जो डूअर है उसको नहीं बताया जाता है, और ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या होते हैं? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको एक्टिव सेंटेंस में बताया जाता है लेकिन पैसिव में उनको बताने की जरूरत नहीं होती है। पैसिव सेंटेंस अगर बनाए ना तो उनमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन से होते हैं? इनमें मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो अगर क्रिया को करने वाला है वो कोई अगर स्पष्ट है यानी पेशेवर है, पता है अपने को स्पष्ट कि इस क्रिया को करने वाला यही है, इसके अलावा और कोई नहीं, तो वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, उसको बताने की जरूरत नहीं होती है। एक होता है कुछ ऐसी क्रियाएं दी होती हैं जिनमें क्रिया को करने वाला कौन है उसके बारे में स्पष्ट पता नहीं होता है, तो जिसके बारे में स्पष्ट पता नहीं हो कि अमुक कौन है इस क्रिया को करने वाला, उसको बाय लगाकर ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं बताया जाता, तो ऐसे सब्जेक्टों को अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये मुख्य रूप से देखो, जैसे ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्टों में जैसे दे शब्द आ गया, TH EY, दे का मतलब है, दे का मतलब होता है वे। तो ये जो दे है इसमें ये बहुवचन है, इसमें स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े, कहने का मतलब सभी हैं इसमें। तो अगर दे दिया हुआ है तो क्रिया को करने वाला कोई एक अमुक व्यक्ति नहीं है, तो ये दे क्या हो गया? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से जैसे वी शब्द है, वी का मतलब हम सब, हम सभी में सभी आते हैं। इसी तरीके से जैसे शब्द आ गया प्यूपल, जैसे चिल्ड्रन, इस प्रकार से, कहने का मतलब यानी कि कोई एक ऐसा प्लूरल यानी बहुवचन करता।